आज हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCL, HEMM ऑपरेटर, माइनिंग सरदार, ओवरसियर, ड्रिल ऑपरेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2020 का न्यू अपडेटेड क्वेश्चन है। वर्तमान समय में कौन क्या क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो के न्यू सिलेबस अपडेटेड है, जो अभी का एग्जाम डेट का सिलेबस आया है उसका न्यू अपडेटेड है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के वर्तमान समय में कौन है। जो भारतीय थल सेना है वर्तमान समय में कौन है, उत्तर है मनोज मुकुंद नरवणे। जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं वर्तमान समय में भारत के थल सेना हैं। दो नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सेना कौन है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, RK भदौरिया। जो RK भदौरिया हैं वर्तमान समय में वायुसेना अध्यक्ष हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के मुख्य वर्तमान समय में कौन है। भारतीय जो है वो नौसेना कौन है। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एडमिरल कर्मवीर। जो एडमिरल कर्मवीर है भारत के नौसेना मुख्य अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। ये अपडेटेड क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तब चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए, क्योंकि एक एक टॉपिक से वीडियो हम करा रहे हैं NCL के न्यू सिलेबस से अपडेटेड। चार नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले CDS कौन हैं। उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बिपिन रावत। जो बिपिन रावत हैं भारत के पहले CDM हैं बिपिन रावत। पांच नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले लोकसभा लोकपाल कौन हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन हैं। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पिनाकी चंद्र जो बोस हैं भारत के लोकपाल हैं। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए, क्योंकि आपका जो HEMM ऑपरेटर है उसकी डेट आ चुकी है 29/11/2020 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ NCL पर तैयारी करवाई जा रही है। छः नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं। उत्तर है, क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान में भारत के नए मुख्य सूचना आयोग, भारत के सूचना आयोग कौन है। उत्तर है बिमल जुल्का। जो बिमल जुल्का है भारत के नए चुनाव जो सूचना आयुक्त हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सात नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुनील अरोड़ा। जो सुनील अरोड़ा है भारत के नए चुनाव आयुक्त हैं। जो चुनाव होता है उसके आयुक्त कौन करता है, सुनील अरोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षण को नियुक्त किया है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। जो गिरीश चंद्र मुर्मू है भारत के नए नियंत्रण महालेखा परीक्षक चुने गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी NCL का एग्जाम होने वाला उसमें आप इस वीडियो के बाद दो नंबर पक्के ही मानिए, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नौ नंबर क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं। जो रेलवे बोर्ड हैं उसके अध्यक्ष कौन हैं। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार यादव। जो विनोद कुमार यादव हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। और रेलवे पहली बार कब चली थी, 1853 में। 1853 में रेल की स्थापना होती भारतीय रेल की। दस नंबर क्वेश्चन, भारत के नए RBI गवर्नर कौन हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शक्तिकांत दास। जो शक्तिकांत दास हैं भारत के नए RBI के जो गवर्नर चुने गए हैं, शक्तिकांत दास से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो RBI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, LIC के नए अध्यक्ष कौन हैं। जो LIC है उसके नए अध्यक्ष कौन हैं, कौन चुने गए हैं। उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, MR कुमार। जो MR कुमार हैं भारत के नए LIC अध्यक्ष चुने गए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, BCCI के मुख्य कौन हैं। जो BCCI के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में वो कौन है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सौरभ गांगुली। जो सौरभ गांगुली है वो BCCI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। जो BCCI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, सौरभ गांगुली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन हैं? जो भारत की जो हॉकी टीम है इसके कोच कौन हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्राहम रीड। जो ग्राहम रीड है वो भारत की हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। और जो हॉकी टीम है ये भारत के राष्ट्रीय खेल है, और भारत में राष्ट्रीय खेल 8 बार स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीत चुका है। 14 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जो केंद्रीय फिल्म है उसको जो प्रमाणित किया जाता है उसके अध्यक्ष कौन है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रसून जोशी। जो प्रसून जोशी हैं ये केंद्रीय फिल्म के प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, प्रसून जोशी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एनसीएल की दृष्टि से, एनसीएल ऑल ऑपरेटर के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की निदेशक कौन है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सी केस सेनापति। जो सी श्री केस सेनापति हैं वो एनसीईआरटी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज आहूजा। जो मनोज आहूजा हैं वो सीबीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। जो सीबीएसई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, सॉरी, जो सीबीएसई है उसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? मनोज आहूजा। जो मनोज आहूजा हैं वो सीबीएसई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए कंटेंट तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी बनी थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए राष्ट्रपति कौन हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद। जो भारत के नए राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं? उत्तर है रामनाथ कोविंद। जो रामनाथ कोविंद है भारत के नए राष्ट्रपति हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, वेंकैया नायडू। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो वेंकैया नायडू है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान समय में? उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जो नरेंद्र मोदी हैं ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, और ये 15 नंबर के प्रधानमंत्री हैं। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 15 नंबर के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का रक्षा मंत्री कौन है? उत्तर है राजनाथ सिंह। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान समय में वो राजनाथ सिंह हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल पर जुड़ जाए और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत का वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। जो है भारत के विदेश मंत्री हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, निर्मला सीतारमण। जो निर्मला सीतारमण हैं ये भारत के वर्तमान समय वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण हैं। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी वीडियो देखने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें। बहुत सारे हमने वीडियो डाल चुका है एनसीएल पर, जनरल साइंस, ट्रैफिक रूल्स, करंट अफेयर्स और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी डले हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रमेश पोखरियाल निशंक। जो रमेश पोखरियाल निशंक है भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं। भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत के खेल मंत्री कौन हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, किरण रिजिजू। जो किरण रिजिजू हैं ये भारत के वर्तमान समय में खेल मंत्री हैं। भारत के खेल मंत्री कौन हैं? किरण रिजिजू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? उत्तर है नितिन गडकरी। जो नितिन गडकरी है ये भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं। भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? उत्तर है नितिन गडकरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको पेपर की दृष्टि से। 26 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 4,
नरेंद्र मोदी। जो नीति आयुक्त है उसके अध्यक्ष कौन है? उत्तर है नरेंद्र मोदी। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जो राजीव कुमार हैं। ये राजीव कुमार ये वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। अगर चैनल वीडियो पसंद आ रहा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। 28 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान समय में CIO कौन है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अमिताभ कांत। जो अमिताभ कांत है ये नीति आयोग के वर्तमान समय में CIO कौन है? उत्तर है अमिताभ कांत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के गृह मंत्री कौन है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जो अमित शाह हैं भारत के पहले गृह मंत्री हैं। वर्तमान समय में जो गृह मंत्री कौन है भारत के, वो हैं अमित शाह। अगर वीडियो हमारी पसंद आए चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें। 30 नंबर क्वेश्चन, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रसारण मंत्री कौन है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश जावड़ेकर। जो प्रकाश जावड़ेकर हैं भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रसारण मंत्री हैं, प्रकाश जावड़ेकर। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो का और भी पार्ट देखने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें। और ये हमारा NCL रिक्रूटमेंट 2020 के लिए HEM ऑपरेटर के लिए करंट अफेयर्स का MCQ था, और ये न्यू सिलेबस पर बेस्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये न्यू सिलेबस पर अपडेटेड है। वर्तमान समय में कौन क्या क्या है, 30 MCQ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।